नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। कृषि जागरण में किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है और आज हम आप सभी को बताएंगे, यहां सोनेपुर में आए हुए हैं और यहां पर चित्रकूट के सोनेपुर में गेहूं की खेती अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं की खेती में जो खैरा रोग लग जाता है, खैरा रोग लग जाने के कारण किसान काफ़ी परेशान हो जाता है और किसानों को जो उपज होती है सबसे बहुत कम हो जाती है। तो खैरा रोग से किस तरह से बचा जाए और किस तरह से किसान खैरा रोग से बचा करके अपनी उपज को ज़्यादा बढ़ाए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें, गेहूं में खैरा रोग और गेहूं का जो धारीदार रतुआ या पीला रतुआ रोग होता है उसे कहते हैं खैरा रोग, लग जाने से काफ़ी गेहूं की पैदावार में अंतर आता है। इससे बचने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि ये जो है जो खैरा रोग होता है इसे कहते हैं ये पाक्सिनिया स्ट्राफायरमिंस नामक जो एक कवक होता है। इस रोग के लक्षण पर प्रारंभ में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलती है, जो कि धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देता है तथा पीला पाउडर जमीन पर गिरने लगता है। इस स्थिति को गेहूं में पीला रतुआ कहते हैं या इसी को हम खैरा रोग भी कहते हैं। यदि यह रोग कल्ले निकलने वाली अवस्था या इससे पहले आ जाता है तो फसल में बाली नहीं आती है। यह रोग उत्तरी हिमालय पहाड़ियों से उत्तरी मैदानी क्षेत्र में भी फैलता है। यह रोग के तापमान बढ़ने पर जो है कम हो जाता है तो पत्तियों पर पीली धारियां काले रंग की हो जाती हैं। मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों में यह रोग अधिक तापमान की वजह से नहीं फैलता है। हालांकि आपको बता दें, इस समय चित्रकूट में भी कई जगह यह रोग दिखाई दे रहा है, इसके चलते किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें बालियां नहीं आ पाती हैं और जो बालियां आती भी हैं तो उसमें जो है गेहूं जो फलियां होती हैं फलियां नहीं लग पाती हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके रोकथाम कैसे करना चाहिए। इस रोग को रोकथाम के लिए उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंको जेब 75 WP 2 g/L पानी में घोल करके और छिड़काव करना चाहिए। सबसे बड़ा बात यह है कि गेहूं जो तना होता है उसमें रतुआ या काला रतुआ रोग लग जाता है। इस रोग का जनक होता है पैक्सिनिया ग्राम निशी ट्रेटिसाई नामक जो कवक होता है। यह रोग प्रारंभ में नीलगिरी तथा पलनी पहाड़ियों से आता है। इसका प्रकोप दक्षिण मध्य क्षेत्र में भी अधिक होता है। उत्तरी क्षेत्र में यह रोग फसल पकने के समय पहुंचता है, इसलिए इसका प्रभाव नगण्य होता है। यह रोग अक्सर 20 डिग्री या नगण्य सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फैलता है। इस रोग के लक्षण तने तथा पत्तियों का चॉकलेट रंग जैसा काला हो जाता है। हालांकि दक्षिण तथा मध्य क्षेत्रों में भी जारी की नवीनतम प्रजातियां इस रोग से जो है प्रतिरोधी होती हैं, ऐसे प्रजातियों में रोग काफ़ी लगता है। हाल के कुछ वर्षों में यह रोग की नई प्रजातियां UG99 कुछ अफ्रीकी देशों में विकसित हो जा गई हैं। हालांकि ऐसे रोगों से किसानों की जो आय होती है बहुत कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो है कि करनाल बंट रोग होता है। करनाल बंट रोग के अलावा गेहूं का खुला कड़ुआ या लूज स्पष्ट रोग जो होता है, तमाम ऐसे जो गेहूं में रोग लग जाते हैं, इनसे बचने के लिए आप सबसे पहले तो जो है लगभग 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 6,000 लीटर पानी में घोल करके 3 से 4 बार छिड़काव जो है मैंगो जेब जो होता है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों की फसल को बचाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय चित्रकूट का एरिया है यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी रहती है और इसके कारण भी ये रोग ज़्यादा लगता है। हालांकि किसान भाई इससे परेशान होते हैं तो ये छिड़काव करने से ये रोग से बचाया जाए।